हेलो एवरीवन दिस इज़ कैरोलाइन वर्गेस और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्वर्जेस इन रेस्टोरेंट ठीक है आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं आप फाइन डाइन्स में जाते हैं वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो जिनसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है शुरुआत में अक्सर जो है थोड़ी सी चीजें हम लोगों को इंग्लिश में यूज करनी पड़ती है ताकि एक माहौल बैठ जाए उसके बाद आप हिंदी में बात कर सकते हो लेकिन जस्ट टू स्टार्ट विथ कुछ चीजें जो पूछी ही जाती हैं या कुछ चीजें जो आपको इंग्लिश में बोलना आना ही चाहिए वो कुछ ऐसे कॉन्वर्जेशन हैं जो हम आज सीख लेते हैं उसके बाद एक बार आपने जो है इतना बता दिया इतना कर लिया कि सामने वाले को यह बात समझ में आ जाए कि हाँ आपको इंग्लिश ढंग से आती है उसके बाद आप हिंदी में भी बात करोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं तो चलते हैं आज स्टार्ट करते हैं पहला जो एक क्वेश्चन है वो जो यूज होता है हाउ ऑफन डू यू ईट आउट हु डू यू गो आउट विद इसका आप रिप्लाई क्या करोगे या अगर आप ये पूछते हो तो इसका रिप्लाई ऐसा कुछ आएगा आई ऑफन ईट आउट ऑन वीकेंड्स सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे संडे वेन आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स ऑल राइट नेक्स्ट वेस्टोरों डू यू यूज आंसर आएगा वेल देर आर नॉट मेनी रेस्टोर इन माई नेबरहुड सो माई बेस्ट चॉइस इज द डेली इनकन्वीनियंट स्टोर्स लाइक द सर्कल के मिनी स्टॉप बी स्मार्ट यहाँ पे इसके बाद ये इतने पोर्शन में आप कोई भी रेस्ट्रां अपने मन पसंद का आप डाल सकते हो इसको आपको बोलने की जरूरत नहीं है अगला वॉट टाइप ऑफ फूड डू यू एंजॉय टू ईट वेस्टर्न और एशियन आई एम इंटरेस्टेड इन एशियन फूड वेस्टर्न फूड इज नॉट माई थिंग अगला हाउ मच डू यू पे वेन ईट आउट कितना पे करते हैं इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव जस्ट अराउंड फॉर ईच मील पे मैंने डॉलर्स में डाला है आप इसकी जगह रुपीज यूज कर सकते हो कोई भी करेंसी यूज कर सकते हो all right do you enjoy spicy food kya aapko khana pasand hai yes i do especially on cold days have you ever tried italian food yes at least once when i was in my friend's wedding party are you concerned about calories when eating out kya aap calories ke concerned चिंता रहती है कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो आंसर होगा यस आई एम आई एम ऑन डाइट नाउ सो दिस रियली मैटर्स टू मी ऑल राइट अगला आर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स लाइक केएफसी और मैकडॉनल्स फेमस इन योर कंट्री यस दे आर द यूथ इन माय कंट्री आर बिग फैंस ऑफ फास्ट फूड डू यू ऑफन ड्रिंक अल्कोहल व्हेन ईटिंग आउट क्या आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं नो नॉट ऑफन जस्ट वेन आई हैव पार्टीज विद माई फ्रेंड्स ऐसे कुछ हम जो है ये स्टार्टिंग के कुछ अगर आप किसी से मिलते हो और स्टार्टिंग के कुछ कॉन्वर्जेशन हैं जो इंग्लिश uh, में करना आना चाहिए राइट right? एंड इतना इसमें से आप कुछ भी आप पूछ सकते हो सामने से उसी हिसाब से जवाब आएगा या आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप इसी हिसाब से जवाब दे सकते हो एंड ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो पूछी जाती है इन द बिगिनिंग जब आप किसी से मिलते हो और राइट सो इंग्लिश में आपको कॉन्वर्जेशंस आई मीन रिलेटेड टू रेस्ट्रॉ कैसे करना है ये मैंने आपको बताया एंड आप इन आंसर्स को अपने हिसाब से uh, चेंज कर, कर सकते हो अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो आप चेंजेस कर सकते हो बट आप बेसिक यही रखना एंड यू विल बी ऑल सेट थैंक यू